सारी लुक्स नाइस एंड एलिगेंट, जब भी उसके प्लीट्स प्रॉपरली सिक्योर्ड होते हैं तो पल्लू को सिक्योर करने के लिए कंधे के पीछे से पिन करें और कभी भी एकदम कंधे के ठीक ऊपर पिनअप ना करें। इससे क्या होता है कि पल्लू बार बार सामने आता है जो बहुत वियर्ड लगता है। और प्लीट्स को टक करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड दोनों साइड से पिन लगाएं। इससे आपका जो प्लीट्स होते हैं वो बहुत फ्लोई होता है और अच्छा दिखता है और ये एक बल्ज भी नहीं फॉर्म करता है। जब आप पहले प्लीट्स को एक बार पिन से जो है सिक्योर कर लेते हैं और फिर उन प्लीट्स को आप टक करते हैं, फिर बाहर से आप पिन को लगाते हैं, तो इससे आपको एक सिक्योरिटी होती है कि पल्लू जो है, जो प्लीट्स हैं वो एक दूसरे से के पास से हटेंगे नहीं या फैलेंगे नहीं और स्लिक लुक आता है। और जब भी आप प्लीट्स को डालें टक करें तो बिल्कुल नाभि प्लीट्स को जो आखिरी छोर हो उसको बिल्कुल नाभि के पास से लगाएं। कहने का मतलब ये है कि बीच में मतलब जो आपका नाभि है उसको बीच में पूरा प्लेट नहीं आना चाहिए, साइड में प्लीट्स होता है और नाभि के पास से वो प्लीट्स जब खुलते हैं दिखते हैं तो बहुत सुंदर उसका लुक आता है। साड़ी पहनते समय अपने थोड़े से बल्जेज